राज्य खनिज विकास निगम के कारनामे अजीबोगरीब हैं। यहां पर निगम के सीएमडी अथवा खान विभाग के सचिव अपने ढंग से सेवानिवृत्त कर्मचारियों पदाधिकारियों को 5-5 वर्षों तक नियोजित रखते हैं। जेएसएमडीसी में अगस्त 2017 में सेवानिवृत्त हुए सहायक लेखापाल एसके सहा इनमें से एक हैं। इन्हें तत्कालीन विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दकी की तरफ से एक वर्ष का सेवा विस्तार देकर 5 वर्षों से अधिक समय तक निगम में सहायक लेखापाल के पद पर रखा गया। कोई भी बोर्ड अथवा निगम सरकार के नियमों के आधार पर ही चलती है। सरकार का नियम है कि सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी पदाधिकारी अथवा कर्मचारी 3 वर्ष तक ही एक और एक वर्ष के अंतराल पर अपनी नौकरी कर सकता है। 4th वर्ष से अधिक के लिए कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक है, पर इन नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। यह भी नहीं देखा जा रहा है कि कर्मी की आयु 65 वर्ष भी हो गई है अथवा नहीं। बताते चलें कि एसके शाह का 5 वर्षों का कार्यकाल अगस्त 2020 में पूरा हो गया है। 4th वर्ष के एक्सटेंशन के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेना जरूरी है, परंतु पूर्व के सचिव अबू बकर सिद्दकी ने अपने आप्त सचिव यमुना प्रसाद को 5 वर्षों के लिए सेवा विस्तार दिया गया। जानकारी के अनुसार जेएसएमडीसी में चार्टर्ड अकाउंटेंट और कास्ट अकाउंटेंसी के 3 डिग्री धारक अनुबंध पर कार्यरत हैं। ऐसे में सेवानिवृत्त व्यक्ति को बार बार एक्सटेंशन दिया जाना समझ से पड़े है। इस कार्य में स्थापना शाखा की और कंपनी सचिव की भूमिका संदिग्ध है। वाईजैन एंड एसोसिएट से जुड़े अजय झा को निगम में कंपनी सचिव बनाया गया है। 500 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करने वाली एजेंसी में अस्थाई कंपनी सचिव की आवश्यकता होती है। निगम में 20 और कॉन्ट्रैक्ट जॉब वाले माइनिंग सरदार, माइनिंग एजेंट, माइंस असिस्टेंट मैनेजर और अन्य हैं, जिन्हें नहीं सेवा विस्तार दिया जाता है, नहीं सेवा शर्त नियमावली के तहत समझौता नहीं किया जाता है। लाइव झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। बिला वाले घरों को रोशन तो करते ही बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं।